डॉक्टर एक व्यस्त अस्पताल के कमरे में बैठे थोड़ा आराम कर रही हैं। उनमें से एक आपातकालीन डॉक्टर है और दूसरी मनोचिकित्सक। दोनों पिछले 10 घंटे से लगातार काम कर रही हैं। दोनों थक चुकी हैं, फिर भी पूरी लगन के साथ काम कर रही हैं। मेरा हर जोड़ दुख रहा है। हर रोज की तरह आज भी शरणार्थियों की ना खत्म होने वाली लाइन थी मेरे क्लिनिक में। मेरी इमरजेंसी ड्यूटी में बहुत शरणार्थी मरीज हैं। कुछ तो इतनी भयानक हालत में आए हैं कि देखा भी नहीं जा रहा था। कितनी दर्दनाक कहानियां हैं। हर नई शरणार्थी को देखकर मुझे अपनी हालत याद आ जाती है। बिल्कुल, मुझे भी बार बार अपने पर गुजरी हुई चीजें याद आ जाती हैं। जैसे जैसे जंग बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे इमरजेंसी वार्ड और भरते जा रहे हैं। एक बिस्तर पे दो दो शरणार्थियों को रखना पड़ रहा है। जल्दी से पहले चाय पी लूं, इससे पहले कोई मरीज बुला ले। बहुत थक गई हूँ। तभी मनोचिकित्सक के लिए एक इमरजेंसी कॉल आता है। मुझे जाना है, हिम्मत रखो, हमारा सफर अभी लंबा है। भगवान जाने ये जंग का अंत कब होगा। डॉक्टर जल्दी आइए, एक शरणार्थी का बहुत खून बह रहा है। ये बेचारी कितनी बुरी तरह जख्मी है। बैठ जाओ प्लीज। डॉक्टर मैं बैठ नहीं सकती, मेरी कमर में बहुत चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा है। नर्स प्लीज मरीज को दर्द का इंजेक्शन लगाकर साइड की करवट से लिटा दो। डॉक्टर एक और शरणार्थी आई है पीछे वाले कमरे में, उसको बहुत जख्म है, प्लीज इधर भी आकर देख लीजिए। ठीक है नर्स, शरणार्थी मरीज को 5% ग्लूकोज ड्रिप शुरू कर दो और ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करती रहना, मैं अभी आकर देखती हूँ। कैसी हो सपना, अब तो तुम ठीक लग रही हो, 2 महीने हो गए तुमको यहाँ आए। जी डॉक्टर दीदी, मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन कोई दिन नहीं जाता जब मुझे माँ की याद नहीं आती। हाँ सपना, काश के धरती के लोग हम लड़कियों को अपना दुश्मन न समझते, लेकिन हमारी तो कभी न अंत होने वाली जंग है। मेरी माँ तो मुझे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पापा उनको जबरदस्ती अस्पताल में एडमिट कर आए और माँ कुछ भी ना कर सकी। अब भी मेरी माँ को मेरे जाने का दुख है। सपना रो मत, मेरी कहानी तो तुमसे ज्यादा दुखद है। मेरी तो माँ ने खुद अपनी मर्जी से मुझे अपने जीवन से धक्का दिया था। मैं भी यहाँ बहुत दुखी और टूटी हुई आई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे वो प्यार मिला जो मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिल पाया। यही कारण है कि आज मुझ में इतना आत्मसम्मान है और इतनी हिम्मत है कि मैं मनोचिकित्सक बनकर और बच्चियों के दुख दर्द का इलाज करती हूँ। डॉक्टर दीदी आप कितनी दयालु हैं, मुझे आपको देखकर साहस आता है और मैं भी धरती से आने वाली शरणार्थी बच्चियों की सहायता करना चाहती हूँ। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, एक शरणार्थी बहुत ही नाजुक हालत में आई है, पूरा सर से पैर तक जली हुई है। हे भगवान, ये तो मेरी माँ है। माँ तुम भी मेरे पास पहुँच गई, कितना बुरा चलाया है आपको। माँ तुमने मुझे माँ बोला, तुम मुझे जानती हो। माँ आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी रचनी हूँ। याद नहीं सालों पहले आपको मुझसे अलग किया गया था। रजनी मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, तुम्हारी दादी ने मुझे तुझसे अलग करवाया था, आज उसकी ही सजा पा रही हूँ। पोता ना देने पर वो रोज मुझे जली कटी सुनाती थी और एक दिन उन्होंने और तुम्हारे पिता ने मेरे पर मिट्टी का तेल डालकर मुझे आग लगा दी। माँ मुझे पता है आप बेबस थी,
काश कि आप स्ट्रांग होती तो कम से कम अपने आप को तो बचा लेती। बेटा दुनिया के लोग बहुत कठोर हैं। वो औरत को कभी मजबूत होता देख ही नहीं सकते। धरती के लोगों ने तो लड़कियों के विरुद्ध कभी ना खत्म होने वाली जंग जारी रखी हुई है। ना जाने इस युद्ध का कब अंत होगा। क्या आपको लगता है कि एक औरत की जिंदगी का अस्तित्व आदमी के मुकाबले कम महत्वपूर्ण है? सदियों से महिलाओं को दबाने का नतीजा है कि लाखों लड़कियां जनपूर्व लिंग जांच, भ्रूण हत्या और भेदभाव के कारण दुनिया से गायब होती जा रही हैं। और दूसरी मनोचिकित्सक दोनों पिछले 10 घंटे से लगातार काम कर रही हैं। दोनों थक चुकी हैं, फिर भी पूरी लगन के साथ काम कर रही हैं। मेरा हर जोड़ दुख रहा है। हर रोज की तरह आज भी शरणार्थियों की ना खत्म होने वाली लाइन थी मेरे क्लिनिक में। मेरी इमरजेंसी ड्यूटी में बहुत शरणार्थी मरीज हैं। कुछ तो इतनी भयानक हालत में आए हैं कि देखा भी नहीं जा रहा था। कितनी दर्दनाक कहानियां हैं। हर नई शरणार्थी को देखकर मुझे अपनी हालत याद आ जाती है। बिल्कुल, मुझे भी बार बार अपने पर गुजरी हुई चीजें याद आ जाती हैं। जैसे जैसे जंग बढ़ते जा रही है वैसे वैसे इमरजेंसी वार्ड और भरते जा रहे हैं। एक बिस्तर पे दो दो शरणार्थियों को रखना पड़ रहा है। जल्दी से पहले चाय पी लूं, इससे पहले कोई मरीज बुला ले। बहुत थक गई हूँ। तभी मनोचिकित्सक के लिए एक इमरजेंसी कॉल आता है। मुझे जाना है, हिम्मत रखो, हमारा सफर अभी लंबा है। भगवान जाने ये जंग का अंत कब होगा। डॉक्टर जल्दी आइए, एक शरणार्थी का बहुत खून बह रहा है। ये बेचारी कितनी बुरी तरह जख्मी है। बैठ जाओ प्लीज। डॉक्टर मैं बैठ नहीं सकती, मेरी कमर में बहुत चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा है। नर्स प्लीज मरीज को दर्द का इंजेक्शन लगाकर साइड की करवट से लिटा दो। डॉक्टर एक और शरणार्थी आई है पीछे वाले कमरे में, उसको बहुत जख्म है, प्लीज इधर भी आकर देख लीजिए। ठीक है नर्स, शरणार्थी मरीज को 5% ग्लूकोज ड्रिप शुरू कर दो और ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करती रहना, मैं अभी आकर देखती हूँ। कैसी हो सपना, अब तो तुम ठीक लग रही हो, 2 महीने हो गए तुमको यहाँ आए। जी डॉक्टर दीदी, मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन कोई दिन नहीं जाता जब मुझे माँ की याद नहीं आती। हाँ सपना, काश के धरती के लोग हम लड़कियों को अपना दुश्मन न समझते, लेकिन हमारी तो कभी न अंत होने वाली जंग है। मेरी माँ तो मुझे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पापा उनको जबरदस्ती अस्पताल में एडमिट कर आए और माँ कुछ भी ना कर सकी। अब भी मेरी माँ को मेरे जाने का दुख है। सपना रो मत, मेरी कहानी तो तुमसे ज्यादा दुखद है। मेरी तो माँ ने खुद अपनी मर्जी से मुझे अपने जीवन से धक्का दिया था। मैं भी यहाँ बहुत दुखी और टूटी हुई आई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे वो प्यार मिला जो मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिल पाया। यही कारण है कि आज मुझ में इतना आत्मसम्मान है और इतनी हिम्मत है कि मैं मनोचिकित्सक बनकर और बच्चियों के दुख दर्द का इलाज करती हूँ। डॉक्टर दीदी आप कितनी दयालु हैं, मुझे आपको देखकर साहस आता है और मैं भी धरती से आने वाली शरणार्थी बच्चियों की सहायता करना चाहती हूँ। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, एक शरणार्थी बहुत ही नाजुक हालत में आई है, पूरा सर से पैर तक जली हुई है। हे भगवान, ये तो मेरी माँ है। माँ तुम भी मेरे पास पहुँच गई, कितना बुरा चलाया है आपको। माँ तुमने मुझे माँ बोला, तुम मुझे जानती हो। माँ आपने मुझे नहीं पहचाना,
मैं आपकी रजनी हूँ। याद नहीं, सालों पहले आपको मुझसे अलग किया गया था। रजनी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी दादी ने मुझे तुझसे अलग करवाया था, आज उसकी ही सजा पा रही हूँ। पोता ना देने पर वो रोज मुझे जली कटी सुनाती थी, और एक दिन उन्होंने और तुम्हारे पिता ने मेरे पर मिट्टी का तेल डालकर मुझे आग लगा दी। माँ, मुझे पता है आप बेबस थी। काश कि आप स्ट्रांग होती तो कम से कम अपने आप को तो बचा लेती। बेटा, दुनिया के लोग बहुत कठोर हैं। वो औरत को कभी मजबूत होता देख ही नहीं सकते। धरती के लोगों ने तो लड़कियों के विरुद्ध कभी ना खत्म होने वाली जंग जारी रखी हुई है। ना जाने इस युद्ध का कब अंत होगा। क्या आपको लगता है कि एक औरत की जिंदगी का अस्तित्व आदमी के मुकाबले कम महत्वपूर्ण है? सदियों से महिलाओं को दबाने का नतीजा है कि लाखों लड़कियां जन्म पूर्व लिंग जांच, भ्रूण हत्या और भेदभाव के कारण दुनिया से गायब होती जा रही हैं।